हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ और ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है, 1 बजने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो मैंने सुबह तो नहीं बनाया था ब्लॉग, मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए बने रहिएगा आप लोग भी हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो देखिए चलिए चलती हूँ मैं पहले तो किचन में, क्योंकि बच्चे आएंगे उससे पहले मैं बना देती हूँ जो भी बनाऊँगी। सोच रही हूँ क्या बनाएँ, तो अब टाइम भी हो रहा है, 1 बज गया है, 1:30 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और मेरा सोमवार का ब्लॉग है और आज सोमवार है, दिन है सोमवार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो व्रत हूँ और बच्चों के लिए ही कुछ बनाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा ये सोमवार का ब्लॉग है, आज सोमवार है दिन। तो देखिए सावन के सोमवार चल रहे हैं, आज ये तीसरा सोमवार है और मेरा तो व्रत है, तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, तो इस वजह से बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, दिखाती हूँ क्या बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में और किचन में मुझे दिखाई दे गया पोहा रखा था। मुझे लगा कि जो पोहा ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो खाना तो नहीं खाते हैं दोपहर में, या तो तहरी वगैरह बना दो या पोहा पास्ता जो भी कुछ बना दो, क्योंकि सुबह लंच तो ले ही जाते हैं, सब्जी पराठा सब्जी रोटी जो भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर में तो हल्का खाना खाते हैं आके। तो देखिए मैंने यहाँ पर मुझे पोहा मिल गया था, तो मैंने सोचा पोहा ही बना देती हूँ। और आज वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज पता नहीं क्या बारिश होगी या हो सकती है बारिश। आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, हल्के बादल से हो जाते हैं, तो हवा भी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैंने सोचा पोहा ही बना देती हूँ, और बच्चे भी, टाइम भी हो रहा है बच्चों का, 10-15 मिनट रह गए हैं, तो 15 मिनट में बच्चे भी अभी आए जा रहे हैं, तब तक मैं पोहा बना देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर वगैरह कट करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक साथ बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पोहा भिंगो दिया है, मैं तो अच्छे से धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकल जाती है पानी से। तो देखिए पानी मैंने डुबो दिया था पानी से बिल्कुल, और फिर पानी निकाल दिया है, और तब जब तक मैं ग्रेवी वगैरह बनाऊँगी तब तक ये वैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका मॉइस्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग और ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे और भी आने ही लगे हैं, टाइम भी हो रहा है। तो देखिए आज गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा बारिश होती रहे वही अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने, आप लोग कहोगे येलो साड़ी क्यों पहनी, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आज फास्ट था तो मैंने येलो साड़ी पहनी है इस वजह से, क्योंकि पूजा पाठ में तो येलो या रेड पहननी चाहिए, वही चलती है पूजा पाठ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉग मेरा पूरा देख लिया करो आप लोग, पूरा ब्लॉग नहीं देखते हो, आधा अधूरा करके छोड़ देते हो, मुझे पता चल जाता है, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग मेरा पूरा देख लिया करो। तो देखिए फ्रेंड्स, और पूर्वी आज सुबह से, पूर्वी आराध्या की तबीयत भी नहीं सही थी, उसे जुकाम सा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आए तब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ, तो थोड़ी बहुत देर उसकी उसे देखूँगी, अगर दवा वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो दवा लेने भी जाना पड़ेगा। सुबह बहुत ज़्यादा उसे जुकाम सा हो रहा था, खांसी हो रही थी, एकदम गर्मी में से आते हैं बच्चे, पानी पी लेते हैं तो एकदम गर्मी बढ़ जाती, सदगर्म से पता नहीं क्या, सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो अब आने वाली है, तब तक मैं जल्दी जल्दी फटाफट बना लेती हूँ यहाँ पर पोहा। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप लोग भी, और आप लोगों को पोहा किस किस को पसंद है
एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पोहा किस किस को पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही, पसीना निकल रहा है बहुत, किचन में तो वैसे भी गर्मी हो जाती है। तो देखिए ये सावन का आज तीसरा सोमवार है, ये मेरा सोमवार का ब्लॉग है। और देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा संडे को कल ब्लॉग आया था वो सैटरडे को बनाया था मैंने, तो सैटरडे को तो मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने बनाया फिर मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी इस वजह से। तो कल जो ब्लॉग आया था वो मेरा सैटरडे का था, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया कि संडे को कहाँ बच्चे स्कूल जाते, लेकिन वो संडे का नहीं था ना, वो सैटरडे का ब्लॉग था मेरा। तो सैटरडे को मैंने बनाया था और मैंने संडे को बच्चे घर पे रहे तो इस वजह से एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने फिर वो संडे को अपलोड कर दिया था एडिटिंग करके। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे भी आ गए हैं, शायद गाड़ी आ गई है। तो चलिए मैं चलती हूँ, पहले तो गेट खोल देती हूँ, हॉर्न लग गया है, मैंने ठंडा के रख दिया है पोहा। देखिए फ्रेंड, बच्चे आ भी गई।